बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में कि वाई डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट, कि समाज के अलग अलग वर्गों ने इस 1857 के रिवोल्ट में क्यों पार्टिसिपेट किया, लाइक किंग्स नवाब्स ने पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, सेपॉयज ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, क्यों किया था, क्योंकि सब परेशान थे, सब परेशान थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से, जो पीजेंट्स पे लगाए, जो सिपॉयज के साथ किया, तो सब परेशान थे, इसलिए उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इस रिवोल्ट का सबसे मेन रीजन क्या था, मुख्य कारण क्या था इस क्रांति का, ठीक है। तो हम आप जानते हो कि जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो चाहते थे कि भारतीय समाज में ना कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए, तो इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ लॉज पास किए, यानी कानून पास किए। पहला उन्होंने जो लॉ पास किया वो था टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सती, यानी सती प्रथा को रोकना। अब ये सती प्रथा क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ सती क्या होती है, इसमें क्या होता है कि वुमेन बर्नड देमसेल्फ अलाइव ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। क्या होता है कि जब किसी महिला का पति मर जाता है तो वो महिला अपने आप को जिंदा जला लेती थी अपने पति के अंतिम संस्कार पर, यानी उसके फ्यूनरल पायर पर वो बैठ जाती थी और वो अपने आप को जिंदा जला लेती थी। ऐसा इसलिए करती थी कि वो माना जाता था कि टू प्रूव देयर प्योरिटी, यानी अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए वो ऐसा करती थी, और ऊपर से समाज का भी प्रेशर होता था इतना, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस थी। दूसरा उन्होंने क्या लॉ पास किया, दूसरा लॉ उन्होंने पास किया टू एनकरेज द विडो रीमैरिज, यानी जो महिला विधवा हो गई है उसकी दूसरी शादी की जाए, ठीक है। तो ये दोनों जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, टू फर्स्ट लॉ जो उन्होंने बनाया था प्रैक्टिस ऑफ सती, एंड द सेकंड टू एनकरेज विडो रीमैरिज, तो दीज वर द गुड स्टेप्स, ये अच्छे कदम थे। बट हमारी जो समाज था, जो हमारी सोसाइटी थी, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थी, यानी बड़े पुराने ख्यालों की थी, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। तो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे रिलीजियस मैटर में, यानी धार्मिक मामलों में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ये सब रिफॉर्म्स लाने को, मतलब इन सब रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। दे थॉट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन देयर रिलीजियस मैटर्स, ओके। सेकेंड वन क्या था उस रीजन रिवोल्ट, द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो भी एजुकेशन या कुछ भी दिया जाए वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते थे। लेकिन अब लोगों को क्या लगता था, जो इंडियन लोग थे, इंडियंस थे, उनको क्या लगता था कि उनको लगता था जो उनकी नेटिव लैंग्वेज, जो उनकी देसी भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो धीरे धीरे कहीं दब जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा तो उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं दब जाएगी। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जो यूरोपियंस ये स्कूल्स खोलते थे तो उनको लैंड बड़ी आसानी से मिल जाती थी, गॉट लैंड वेरी इजीली, उनको ये लैंड बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, और ये जमीन किसकी होती थी, हमारे किसानों की, ठीक है। तो ये हमारे किसानों से ही जमीन उनको दी जाती थी। तो इससे लोगों के अंदर क्या था गुस्सा, दे पीपल गेटिंग वेरी एंग्री। तीसरा उन्होंने क्या पास किया, 1850 में एक नया कानून पास किया फॉर कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी धर्म परिवर्तन का, ईसाई धर्म अपनाना, यानी कोई भी भारतीय अगर ईसाई धर्म को अपनाता है तो अगर अपना रहा तो भी उसको अपने पुरखों की संपत्ति पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा, यानी उन्होंने धर्म परिवर्तन को कानून के जरिए सपोर्ट किया, यानी हमारे भारतीय अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और इसको उन्होंने सपोर्ट किया नया लॉ पास करके। तो ये जो रिफॉर्म्स वो लाए थे, हमारे कुछ रिफॉर्म्स अच्छे भी थे, लाइक जो उन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट बनाए थे, विडो री मैरिज के अगेंस्ट जो लॉज बनाए थे वो अच्छे थे, लेकिन कुछ जो लॉज थे वो बैड भी थे, यानी एक्सप्लॉइटेटिंग, यानी वो बहुत ही शोषित थे, मतलब समाज को दबा रहे थे वो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो सम रिफॉर्म्स वर गुड एंड सम वर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव, तो इससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। इट वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल, तो लोग बहुत परेशान थे। तो इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग
देयर रिलीजन यानी हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं, वो हमारी सामाजिक रीति रिवाज बदलना चाहते हैं, हमारी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ यानी हमारे जो परंपरागत जीवन शैली उसमें बदलाव लेना लाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। मतलब रिफॉर्म्स तो सही है अगर वो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, बट मैनिपुलेशन ऑफ द मैनिपुलेशन ऑन द नेम ऑफ रिफॉर्म्स वर नॉट गुड, यानी रिफॉर्म्स के नाम पर हेर फेर करना यह गलत है। रिफॉर्म्स ले, अच्छे रिफॉर्म्स लाओ ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स का आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो सब धीरे धीरे साथ आने लगे। तो अब ये पहले तो ये रिवॉल्ट सिर्फ किंग्स पीजेंट्स और सिपॉइस तक या कुछ सिर्फ एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक ही सीमित था, लाइक किंग्स पीजेंट्स एंड सिपॉइस, लेकिन अब सब लोगों के अंदर गुस्सा था बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी रिफॉर्म विच द ब्रिटिशर्स वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट। ओके, सो बिकॉज उनकी इनके जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे, रिलीजियस सेंटीमेंट्स यानी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो इसलिए वो उन्होंने कहा, अब उन्होंने कमर कस ली थी कि अब हमें 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे सिपाही हो, ठीक है। तो उन्होंने सबने कर अब सोचा था कि नाउ एवरी वन पार्टिसिपेटेड बिकॉज रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो थे उनके हर्ट हुए थे, देयर रिलीजियस सेंटीमेंट्स वर हर्टेड। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने 1857 की अभी तक हमने बैकग्राउंड पढ़ी कि अभी तक 1857 का रिवोल्ट जो आया उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, भूमिका क्या बनी कि क्यों 1857 का रिवोल्ट आया, तो उससे पहले कुछ भूमिकाएं बनी कि लोग परेशान थे, लोगों पर रिफॉर्म्स लाए गए, लोग वो नहीं चाहते थे, तो कई सारे रीजंस थे उसके पीछे। अब हम पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ और उसके बाद और 1850 एंड आफ्टर, एज द नेम स्टेट्स व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। सो अब हम पढ़ेंगे 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ और उसके बाद।